बसमिलीम अच्छा जी स्टूडेंट uh, मुझे कोई ये बता दे कि आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई एक बंदा बता दे जी सुभान आ रही है, ठीक है ओके okay. अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था इस चैप्टर का इक्वेशन uh, वाले चैप्टर का चैप्टर थ्री का जिसमें हमने क्या करना था कि हमने उसकी ट्रांजेक्शन uh, बनानी थी तो उसमें मुझे बताएं किसी को को प्रॉब्लम है ताकि हम डिस्कस करके और फिर आगे चलें हाँ जी उमर वलीद जी सर ये 16 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन करवा दें सर 16 जनवरी वाली और इसके अलावा बाकियों को भी लाओ यार पहले हाँ जी निमरा आपका क्या प्रॉब्लम है सर मेरी सेकंड ट्रांजैक्शन है इसकी सेकंड उसकी डेट है बेटा कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है ये? सर ओके मैं डेट देख के देती हूँ सेकंड इज फिफ्थ जनवरी ओके अच्छा सर फिफ्थ जनवरी ओके मोहम्मद सुहेब खान आपका क्या प्रॉब्लम है सर ये फिफ्थ जनवरी फिफ्थ जनवरी ओके देखा ना ये अक्यूमुलेट हो गया प्रॉब्लम नेक्स्ट जो है मोहम्मद वासिक जी वासिक सर एट जनवरी एट जनवरी ठीक है ताकि मुझे पता चल जाए ना कि सवाल सारा मैंने ही करना है ओके okay. हाँ जी हम आज मंजूर अमाद मंजूर हसनैन रजा तो जी एट जनवरी जी एट जनवरी एट जनवरी और जी कुर्तुलैन यार जी ये जो होते जा रहे हैं इनको अनम्यूट करते जाओ रोला पाना है ना जी करो के पास एट्थ जनवरी एट्थ ओके आगे चलें जी और किसी का कोई मसला बस जी इसका मतलब हमें म्यूट कर दो इनको इसका मतलब ये हुआ कि हमें पांच, हमें आठ और हमें सोलह जैन वाली ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आई है ठीक है ओके आठ जनवरी वाली ट्रांजेक्शन देखें जी सबसे पहले सॉरी पांच वाली इन्वेंट्री हमारी जो है वो ट्वेंटी से माइनस होती है और इक्विटी जो है सॉरी कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 22.5 से प्लस होता है अच्छा इसके ज़रा सोल्यूशन पे जाओ इस इस क्वेश्चन में किसी एक दो ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम भी था अच्छा हाँ सॉरी आगे भी है ओके अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस में पाँच ऐड हुआ और पेएबल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट फाइव कम हुआ अच्छा फिर पीछे जाए ज़रा ओके okay. एक बात तो तय है कि इन्वेंट्री बिकी है कितने की बिकी है जितना इस पर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट निकालो जरा पांच रुपए इन्वेंट्री कितने की थी बीस रुपए की वो बिकी है पच्चीस रुपए की क्योंकि उसके ऊपर पांच रुपए प्रॉफिट हुआ है तभी वो पच्चीस रुपए की बिकी है ना ठीक है और अब जब वो बिकी है तो वो कैश में बिकी है या उधार बिकी है अब देखें कैश कितना आया मुझे कैश आया बाईस पचास पैसे इसका मतलब क्या हुआ सारे के सारे पैसे कैश में नहीं आए तो भाई बाकी क्या होने चाहिए बाकी रिसीवेबल होने चाहिए रिसीवेबल तो नीला यहां ये देखे कुछ भी नहीं है रिसीवेबल में तो फिर बाकी अमाउंट और कैसे आ सकती है एक और सूरत हाल हो सकती है हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि मैंने किसी के पैसे देने हो और उससे लेने हो तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं तो क्या ख्याल है बात समझ आ गई हमने बीस रुपए की चीज पच्चीस रुपए में बेची गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड जो भी है मिलियन या ट्वेंटी थाउजेंड 20 मिलियन वर सोल्ड फॉर पीस ट्वेंटी आउट ऑफ विच ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन विसीव इन कैश एंड 2.5 मिलियन वर एडजस्टेड अगेंस्ट पेएबल आगे चलो अगले पेज पे ये देखो ये पेएबल कम हो रहा है मेरा कम हो रहा है ना तो मैंने 25 लेने थे बाईस अशारिया पचास मुझे मिल गए और दो अशारिया पचास जो हैं वो क्या हुआ वो मेरे पेएबल थे वो एडजस्ट हो गए जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे जब हम ये सारी नॉलेज गेन कर लेंगे तो फिर हम इसकी एंट्री भी बोलेंगे जैसे मैंने दो तीन दिन पहले कहीं एक आध एंट्री में डेबिट क्रेडिट बोल गया तो बच्चा कन्फ्यूज हो गया तो अब मैं कल से परसों से बिल्कुल डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा मैं प्लस माइनस में बात कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि अभी डेबिट क्रेडिट हमने पूरी तरह सीखा नहीं है तो क्या हुआ बीस रुपए की चीज़ बीस मिलियन की चीज पच्चीस मिलियन में बेची पाँच रुपये प्रॉफिट हुआ बीस रुपए इन्वेंट्री से कम हुए अब वो पच्चीस मिलियन कैश आना चाहिए था लेकिन कैश आया टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन तो बाकी क्या है या रिसीबल है या पेबल के अगेंस्ट मैंने एडजस्टमेंट करवा ली है तो रिसीबल तो है नहीं पेबल कम हो रहा है अलबत्ता टू पॉइंट फाइव से इसका मतलब क्या हुआ कि टू पॉइंट फाइव से हमारी एक रिड्यूस हो गई ओके क्लियर है जी इनको लो जरा लाइन के ऊपर जो एंट्री नंबर फिफ्थ वाले थे हाँ भाई क्लियर हुआ भाई जिनका प्रॉब्लम था इन नंबर फाइव उनको ये बात क्लियर हो गई है हैंड रेज करके मुझे बताएं जरा जी सुहेब जी सर हो गया क्लियर चलो और किसी का इसमें मसला तो नहीं था इस एंट्री में चलो जी आगे चलते हैं अब अगली एंट्री थी हमारी वो पीछे मैंने लिखी थी क्वेश्चन में हाँ एट जनवरी की एंट्री ये देखें सर <coughs> अच्छा जी अकाउंट रिसीवेबल कम हुए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वन पॉइंट टू फाइव से बड़ी है कैश एंड बैंक बैलेंस जो है उसके अंदर तीन रुपए का इजाफा हुआ है ठीक है अगले पेज पे चलो प्रॉफिट एंड लॉस को वन पॉइंट एट जो है वो अफेक्ट हुआ है ठीक है कम हुआ मेरी इक्विटी uh, कम हो गई लॉस हुआ मेरा और इधर यही इंपैक्ट है उधर चलो अब ये देखें हुआ क्या है कि अब ये थोड़ी सी वो एंट्री है जो बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन खैर हम यहाँ डिस्कस कर जाते हैं इसको हमारे रिसीवल कम हुए हैं सिक्स रुपीज़ से अब रिसीवल कम कब होते हैं जब हमें कोई पैसे दे दे या किसी ने हमसे उधार खरीदी हुई चीज़ वापस कर दे यह एक तीसरी सूरत भी होती है यहाँ पैसे आए हैं हमें तीन रुपए लेकिन आए कितने हैं तीन रुपए छह रुपए रिसीवल कम हुए रुपए तीन आए हैं चीज़ बेची नहीं है हमने इसलिए चीज़ वापस नहीं हुई क्योंकि अगर वापस हुई होती तो मेरी इन्वेंट्री में चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती लिहाजा ये रिसीबल इन्वेंट्री वापस किसी किसी ने उधार वापस किया उसकी वजह से भी ये रिसीवेबल कम नहीं हो रहे तो फिर क्यों हो रहे हैं ठीक है तीन रुपए तो इसलिए कम हो गए कि मुझे तीन रुपए रिसीव हो गया ठीक है अब मेरी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज कर गई प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जो डाउटफुल रिसीवेबल होते हैं ना हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं हम उन्हें क्या करते हैं राइट right ऑफ कर देते हैं वो कितने से रिवर्स हो रहे हैं प्रोविजन बढ़ रही है 1.20 से 1.20 से तो डेट डाउटफुल हैं ये भी मेरा एक्सपेंस बनते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत वो रिसीवेबल जिसके ऊपर मुझे शक हो के वो नहीं मिलना वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है ठीक है लिहाजा क्या हुआ प्रोविजन इंक्रीज़ कर गई डाउटफुलनेस इंक्रीज़ कर गई और इतने से एक्सपेंस भी इंक्रीज़ कर गया क्योंकि ये डाउटफुल थे अब ये जो प्रोविजन होती है ये चूंकि रियल में रिसीवेबल कम नहीं हुए होते ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है लिहाजा हम क्या करते हैं हम एसेट साइड पर इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं पहले भी कोई प्रोविजन होगी देखें यार मुश्किल होता है जब चीज़ें अभी हमने पढ़ी ना हो उसको क्लियर करना देखें मैंने अगर किसी से सौ इस तरह समझे पहले बात को मैंने किसी से सौ रुपया लेना है और मुझे डाउट हो जाता है कि उसने बीस रुपये नहीं देने तो मैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत ये एस्टिमेटेड लॉस है मैं एक तो एक्सपेंस ट्रीट कर दूंगा दूसरा मैं अपने रिसिबल को कम कर दूंगा क्यों कि डाउटफुल हो गए अब ये जो छुपएल कम हुए हैं इसमें तीन रुपए तो आ गए उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है ठीक है रुपीस थ्री मिलियन फ्रॉम डेटर ठीक है लेकिन अगले पेज पे जाएं जरा ये देखें मेरा एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है वो कम हो रहा है मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है इसका मतलब हमने हमने जो पिछली दफा डाउटफुल क्रिएट किए हुए थे उनको हमने क्या किया है रिवर्स किया है जब रिवर्स करेंगे तो वो इनकम बनेगी ठीक है लेकिन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्विटी मेरी कम हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने एक्सपेंस दिखा दिया मेरी इक्विटी क्या हो रही है ये देखें इक्विटी में से ये माइनस हो रहा है ना तो इक्विटी कब माइनस होती है जब एक्सपेंस हो इसका मतलब 1.8 जो है वो क्या है डाउटफुल है सॉरी वन जो है वो हमारा एक्सपेंस हो गया क्योंकि वो पैसे नहीं मिलने और जो 1.2 है वो मेरी प्रोविजन इंक्रीज कर गई प्रोविजन इंक्रीज करने का मतलब क्या है वो जो पिछले पेज के ऊपर ये मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जो है वो बढ़ा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाने का मतलब क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि ये हमारे जो हैं प्रोविजन इनक्रीज़ कर गई है और प्रोविजन इनक्रीज़ करने से क्या होगा मेरी ये वाली साइड जो है उसमें से रिसीवेबल उतने कम हो जाएंगे क्योंकि ये देखें रिसीवल में से माइनस हुआ और इसने भी मैंने आपको क्या बताया रिसीवल में ऐड हो जाना है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो डाउटफुल थे जो मेरे डाउटफुल थे वो थ्री थे क्योंकि थ्री रिसीव हुए लेकिन उसमें से वन पॉइंट ट्वेंटी जो हैं वो क्या हुआ है वो मेरी प्रोविजन जो मैंने पहले डाउटफुल क्रिएट किए हुए थे वो मैं रिवर्स कर रहा हूँ मैं उसको बढ़ा रहा हूँ तो जब मैं उसे रिवर्स करूंगा तो मेरे रिसीवल बढ़ जाएंगे इतने से रिसीवल बढ़ेंगे और वो जो मैंने एक्सपेंस ट्रीट किया हुआ अगले पेज पे जाएँ वो एक्सपेंस जो था वो क्या होगा वो भी कम होगा अगर ये प्रोविजन का चक्कर ना होता तो सीधा सीधा क्या होता ज़रा पीछे जाएँ अगर प्रोविजन का रोला ना होता तो ये कुछ ना होता यहाँ पर आगे पेज पे जाए यहां पर क्या होता यहां तीन होता ठीक है और पीछे जाएँ कि जी छह रुपए से मेरे रिसीवल कम हुए कैसे कम हुए तीन रुपए उन्होंने हमें दे दिए कैश बढ़ गया और तीन रुपए उन्होंने कहा जी भाई हमने हमने नहीं देने तो जो पैसे हमें नहीं देने उन्होंने वो क्या है वो बैड डेट्स है वो क्या है बैड डेट्स है वो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस की वजह से इक्विटी कम होगी ये बात क्लोज हो गई अब एक काम और हुआ हुआ, हुआ है वो काम क्या हुआ हुआ है वो काम ये हुआ हुआ है कि रिसीवेबल बढ़े हुए हैं परवीएन जब ऐड होती है तो इसका मतलब हमने अपने रिसीवल जो हैं वो क्या किए एसेट साइड पर बढ़ाए हैं एसेट साइड को बढ़ाया है एसेट साइड हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पिछले दफ़ा हमने डाउटफुल एक्सपेंस ट्रीट किया था वो इस दफ़ा रिवर्स हो रहा है जब वो रिवर्स होगा तो वो एक्सपेंस नहीं रहेगा वो हमारी इनकम बन जाएगी तो इधर रिवर्स हुई है वो जो पिछली दफ़ा मैंने एक्सपेंस ट्रीट किया था उसको अब जब मुझे पता चला है कि नहीं यार वो मेरा एस्टिमेट गलत था तो मैं अपने रिसिवल बढ़ा रहा हूँ और जब इस तरह रिसिवल बढ़ाए जाते हैं तो उन्हें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं और उधर जाके अगले पेज पे जाएं उधर जाके क्या हो रहा है उधर जाके हो ये रहा है कि ये मेरा जो था एक्सपेंस जो कि तीन का होना था जब उसमें से रिवर्स हुआ ए, 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 वन तो नेट इफ़ेक्ट कितना बचा नेट इफ़ेक्ट जो यहाँ आ गया है वो नेट इफेक्ट इतने का बच गया कितने का बच गया वो इसका बच गया एट जीरो का यानी मेरा एक्सपेंस जो था तीन से एक्सपेंस हुआ और एक रुपये बीस पैसे से वन पॉइंट टू मिलियन से वट एवर जो भी आपने इसे कहना है वन पॉइंट थ्री मिलियन से एक्सपेंस हुआ और वन पॉइंट टू मिलियन से वो एक्सपेंस रिवर्स हुआ क्योंकि रिसीवल बढ़ रहे हैं प्रोविजन की शक्ल में रिवर्स हो रहा है तो मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो गया जीरो तो थोड़ी जाहिर है डिटेल एंट्री थी लेकिन बहरहाल इसमें अब कोई इशू नहीं होना चाहिए क्लियर है जी ये पूछे जरा बच्चों से जी कासिम सरवर सर ये प्रोविजन वाली बात समझ नहीं आ रही प्रोविजन प्रोविजन वाली बात, वाली बात बात उस वक्त समझ आएगी जब हम बैड्स का चैप्टर कर चुके होंगे ठीक है सर ये प्रोविजन से क्या मुराद के ये हमें पैसे मिल सकते हैं कि ये नहीं प्रोविजन यहाँ एक्चुअली प्रोविजन से मुराद ये होता है कि शायद ये ना मिले ठीक है वो हमारा एक्सपेंस होता है और साथ रिसीवल कम होते हैं लेकिन यहाँ रिसीवल बढ़ रहे हैं हुई हुई है। इसका मतलब मैं अपना वो एस्टिमेट अब रिवर्स कर रहा हूँ कि मुझे ये पैसे मिल जाने, जाने इस वजह से तो मिल जाए तो मैंने रिसीवल बढ़ा लिया और उधर अपनी जो पिछली दफा एक्सपेंस ट्रीट किया था उतने से वो अपना एक्सपेंस रिवर्स कर दिया तो वो जो इस दफा तीन का एक्सपेंस बनना था वो जब रिवर्स हुई प्रोविजन तो नेट एक्सपेंस कितना बच गया 1.80 का बच गया मेरा ख्याल क्लियर हो जाना चाहिए चलो ठीक है और जी बाकी जिनका क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया जी ओके फाइन अब हम आ जाते हैं जी ये जो आ, ये भी हो गई ये भी हो गई अब हम आ जाते हैं 16 डेट के ऊपर 16 की एंट्री ये है जी ये वाली फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं सॉरी फिक्स्ड एसेट कम हो रहे हैं एसेट में डिक्रीज हो रही है और एकमोलेटेड एप्रीसीशन जो है वो क्या हो रही है वो बढ़ रही है और कैश जो है वो तीन से इंक्रीज हो रहा है इससे ये पता चल रहा है कि हमने कोई एसेट बेचा है ठीक है आगे चलें अब इक्विटी साइड पर ओके okay. पॉइंट फोर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पॉइंट फोर मिलियन से ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि एसेट को बेचने के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है पीछे जाए पांच मिलियन का एसेट जब हम तीन मिलियन में बेचते हैं पांच मिलियन का एसेट जब हम तीन मिलियन में बेचते हैं वो एसेट उसकी कॉस्ट पांच मिलियन थी लेकिन उसकी जो क्यूमलेटेड एप्रीसिएशन थी वो 2.4 मिलियन थी इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी बन गई 5 मिलियन में से माइनस कर दें मिलियन तो मिलियन कितना बता दी थ्री पॉइंट मिलियन ठीक है अब ये देखें 2.6 मिलियन उसकी बुक वैल्यू थी ये जो क्यूमलेटेड अप्रिसन होती है ना एसेट की वैल्यू के अंदर ओवर द पीरियड इस्तेमाल करने से जो कमी होती है वो होती है डेप्रिसिएशन क्या होती है ये रोस्टर मैंने खरीदा फर्ज करें 2000 का ये इस्तेमाल करते करते हर साल इसकी वैल्यू कम 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 होती जा रही है तो ये जो इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ये होता है कि शुरू से लेके जब एसेट खरीदा था आज तक इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है तो वैल्यू कितनी कम हो गई है टू पॉइंट फोर और उसकी कॉस्ट कितनी थी जो कि अब कम हो रही है बिकने की वजह से जाहिर है वो माइनस हो जाएगी उसमें से ठीक है वो कितनी है वो फाइव अब फाइव में से रियल सेंस के अंदर, एसेट की इस वक्त बुक्स में वैल्यू कितनी है फाइव टू फोर। वो कितना बना वो कितना बना टू पॉइंट सिक्स अब टू पॉइंट सिक्स की चीज मेरी तीन रुपए में बिकी है ये देखें जब वो तीन रुपए में बिकती है तो इसका मतलब क्या हुआ उसके ऊपर पॉइंट फोर रुपीज का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप देखें दूसरी तरफ उसने इधर ऐड किया हुआ इक्विटी के अंदर ठीक है ये रहा ये इक्विटी में ऐड हुआ हुआ है तो ट्रांजेक्शन क्या हुई नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग रुपीज फाइव मिलियन वाज हैविंग बुक वैल्यू ऑफ टू पॉइंट सिक्स मिलियन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज थ्री मिलियन इन कैश ठीक है एसेट कॉस्टिंग फाइव मिलियन हैविंग बुक बुक वैल्यू ऑफ मिलियन वैल्यू कैसे निकली मैंने बताया कि क्या होती है एसेट आज तक कितना अपनी वैल्यू लूज कर गया जो एक्सपेंस हो गया ठीक है खत्म हो गया वो पिछले सालों में तो एसेट की फिर रियल वैल्यू कितनी बची एसेट की रियल वैल्यू बची टू पॉइंट सिक्स मिलियन ठीक है इतने से एक्चुअली एसेट जो है वो कम हुआ इन रियल सेंस कॉस्ट वाइज तो पॉइंट फाइव से ही कम हुआ

वो पॉइंट मिलियन मैंने कहाँ शो किया हुआ है वो आप चेक करें हमारे प्रॉफिट हुआ हमें ये प्रॉफिट इक्विटी के अंदर मैंने इसे क्या कर लिया ऐड कर दिया ठीक है जी पूछे जी पार्टिसिपेंट से कि ये क्लियर हुआ पॉइंट किसी ने जी हाफिज मोहम्मद उमर जी सर ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ है WDV सर इसकी फुल फॉर्म बताइए रिटर्न डाउन वैल्यू ये जब हम ये जब हम डेप्रीसिएशन का चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो ये बिल्कुल उसके अंदर इनिशियल ए वाली बात है रिटर्न डाउन वैल्यू जिसे मैं बुक वैल्यू कह रहा हूं ना कि ओरिजिनली वो था पांच का तो इस्तेमाल हो हो के वो टू पॉइंट फोर कम हो गया तो फिर उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू राइट डाउन मीन कम करने के बाद जो वैल्यू यूज करने के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या है वो बेसिकली टू पॉइंट सिक्स है वो इसलिए डब्ल्यू डीवी लिखा हुआ है ठीक है जी सर सर एक बात मैंने ये भी कहनी थी आपने कहा था कि हम हमेशा बुक वैल्यू कंसीडर करते हैं तो सर जब हमने ट्रांजैक्शन की थी उसकी कॉस्ट फाइव आई थी तो आ, हमारी बुक्स में वैल्यू फाइव थी। जी इसका मतलब हमने बाद में अपनी में चेंज की और फिर उसकी बिल्कुल चेंज की बाद में चेंज क्यों की क्योंकि एसेट उतने का रहा नहीं है एसेट इस्तेमाल होते हुए क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है वो एक्सपेंस बनता जा रहा है वो जब डेफोजन का चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त बताऊंगा कि एक एसेट जो है वो हमेशा अपनी कॉस्ट के ऊपर नहीं रहता वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि अपनी वैल्यू लूज करता है ज्यादा उसकी वैल्यू कम होने से उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या होती जाती है एक्सपेंस आउट होती होती जाती और कम होती जाती है 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 और ओरिजिनल वैल्यू कम ठीक सर सर ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अब हमारा एसेट कितना डेप्रिशिएट कर आ, चुका है वो तो हमें ये बेटा अकाउंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है ये आपको सिखाया जाएगा ये इस इस एसेट का एक्सपर्ट बताता है मैनेजमेंट एस्टीमेट करती है एक्सपर्ट बताएगा कि साहब ये ए जो है ये इतने साल चलेगा और इसकी वैल्यू ये आपको सिखाएंगे वाले चैप्टर के अंदर कि ये कैसे डिसाइड करना है कि एसेट की वैल्यू कितनी कब कम होनी है समझ आ गई बात की जी सर जी सर हाँ ये सिखाएंगे इन शाह और जी क्लियर है जी अब ये आ, हमारे क्वेश्चन सारे के सारे अब आ जाएंगे जरा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हाँ जी, भाई कोई और पूछ रहा है बंदा जी, अली, अली हर्ल, हर्ल लिखा हुआ। जी भाई जी हरल साहब लेते हैं भाई जान आपने लेट ज्वाइन किया है सर। अच्छा, तो मैंने पहले में पूछा कि किस किस ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है एनी ये देखे नहीं वो कह रहे हैं जी ये वाली 12 जून वाली जनवरी वाली नॉट जून जनवरी वाली ट्रांजेक्शन क्लियर करें कर लेते हैं भाई क्या हुआ यार ये तो बहुत सीधी सी बात है कि किधर गया जी 12 जून ये देखें इन्वेंट्री जो है 12 जून जनवरी वाली है ना हाँ इन्वेंट्री कम हुई कैश कम हुआ इसका मतलब इन्वेंट्री भी गई कैश भी गया कहाँ गया भाई कहाँ गया आगे जाएं जरा देखें कहाँ गया कैपिटल भी कम हुआ कहाँ गया फिर ड्राइंग हुई क्या हुआ ड्राइंग हुई हल साहब आवाज आ रही मेरी Yes, हाँ तो भाई क्या हुआ प्रोपराइटर ने कुछ इन्वेंट्री और कुछ कैश जाती इस्तेमाल के लिए लिया ऐसे ही है ना इन्वेंट्री भी कम हो गई और कैश भी कम हो गया ये कम होके कहा गया इसने मेरा कैपिटल कम कर दिया कैपिटल क्या था वो पैसे थे जो हमने ओनर के देने हैं वो कम हो गए यानी वो चीजें और कैश ले गया इसका मतलब है अब हमने कैपिटल की शक्ल में उसके पैसे 3.5 मिलियन से कम देने हैं ठीक है थीके? तो इसकी ट्रांजेक्शन ये होगी इन्वेंट्री दिस एंड कैश अमाउंटिंग दिस अमाउंटे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ठीक है ठीक है और जी और कोई स्टूडेंट जी चले जी अब हम जाते हैं आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें जी आगे ये सब हमने कर लिए सवाल ओके okay, पीछे यस yes, ये देखेंसिटल रुपीज टेन थाउजेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट एंड लैबिलिटी फिगर्स कुड अपीयर इन द बिजनेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अगर बिजनेस के पास कैपिटल जो है वो दस हजार का होगा तो ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें एसेट और लैबिलिटीज में कौन सी फिगर आएगी यार जब कैपिटल जो है वो दस हजार का होगा तो क्या होगा लैबिलिटीज में दस हजार आएगा और एसेट में भी दस हजार आएगा ये वैसे अजीब सा सवाल था सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है जी ओके okay, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एसेट जो है ये एक इक्वेशन बना के देखना है हमने एसेट्स आर इक्वल टू दिस लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऐसे करके देख लें ये बराबर हैं सारे चेक करो जी क्या कह रहा है वो सवाल Which of the following asset and liability figures could appear in, in this business statement of financial position? हाँ ठीक है कैपिटल अलीहदा दिया हुआ है ना कैपिटल उसने अलहदा दिया हुआ है तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो ये होगा कि एसेट जो है वो चौदह हज़ार के हो जाएंगे और इसकी लाइबिलिटी जो है वो चार हज़ार की हो जाएगी ये थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कह रहा है कि बिजनेस के पास का कैपिटल है। उसकी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजिशन में कौन कौन से लाइबिलिटीज आएंगी ठीक है इसका मतलब अगर उस बिजनेस के पास दस हजार का कैपिटल है तो इसका मतलब ये हुआ उसके एसेट जो है वो यार ये सी ऑप्शन भी ठीक है सी ऑप्शन भी सही है और एक तरह से डी ऑप्शन भी सही की जा सकती है कि जी चार हजार ये है दस हज़ार का कैपिटल इधर ऐड होगा देखें वो ये कह रहा है कि चार हज़ार हमारे पास पहले लायबिलिटीज़ हैं हाँ बिल्कुल नहीं इसकी सेंस कुछ और है एक मिनट जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक्चुअली यहाँ एक कॉलम और होना है जो कि नहीं दिया हुआ वो क्या है कैपिटल आप समझ आई बात की थी? ठीक है अब वो कह रहा है कि जी अगर कैपिटल दस हजार है ठीक है तो कौन सी ऑप्शन ठीक है अब जमा ये करेंगे तो फिर ये सही बनती ठीक है यहाँ दस हजार जमा करेंगे तो ये नहीं बनता यहाँ दस हजार जमा करेंगे तो ये नहीं बनता यहाँ दस हजार जमा करेंगे तो ये नहीं बनता यहां दस हजार जमा करेंगे तो ये वाली तो ये चौदह हजार बन जाता है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो थोड़ा ट्रिकी था कि वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी जैसे नीचे वाली स्टेटमेंट में कैपिटल दे दिया ऊपर वाली स्टेटमेंट में हर एक में समझ लें दस हजार कैपिटल है दस हजार कैपिटल है दस हजार कैपिटल है आपने हर एक को ऐड करके देखना है कि क्वेट हो रहा है ये भी नहीं हो रहा है भी नहीं ये भी नहीं ये हो रहा है तो ये ऑप्शन सही है ठीक रेज है? हो रहे थे जी, इसी मसले पे हो रहे थे जी हाफि साहब जी सर अभी आपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया हुआ आरिश इंटरप्राइजेस वाला आपने वो उसको रखा हुआ मैं अभी खत्म नहीं किया मैंने चैप्टर अपना ना मैं अभी इधर आ रहा हूँ आपके पास ठीक है जी सर अभी, अभी अभी मैं मैं अभी कम क्लोज नहीं किया वो मुझे पता है जी क्लोज करें इसे अच्छा जी अच्छा जी अब इसकी ऑप्शन कौन सी सही है आप जमा करके देख लें जिसमें यह बराबर होती हैं चीजें वो ऑप्शन ठीक है लाइक ये छे सात सात यही ऑप्शन ठीक है बाकी ऑप्शन गलत, गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ऐसे ही है जी क्यों सी ऑप्शन में क्या है आठ हजार नौ हजार नौ हजार तीन सौ पचास गलत है सी ऑप्शन हो ही नहीं सकती इसकी अगर सी लिखा हुआ है तो उसे सही कर लें। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ए ऑप्शन है यार इन दोनों को जमा करना है इसने इसके बराबर होना है इसमें कोई रोले वाली बात ही नहीं है सी ऑप्शन में तो नहीं बराबर हो रहा सी में तो आ रहा है आठ और एक नौ नौ हजार तीन सौ पचास और इधर है नौ हजार पांच सौ पचास तो सी ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है आगे चलेंगे क्या कह रहे जी नाइन पार्टिसिपेंट हो हाँ जी बोले जी मोहम्मद अहमद साहब बोले हेलो चलो एमन आप बताओ भाई एमन सर उन्होंने इसका बी ऑप्शन में जो डबल को ऐड करते हैं तो इक्वल हो जाता जी क्या कहा सर आप इसका बी ऑप्शन में देखिए सेकंड एमसीक्यू का मैं चेक करता हूं ऐड करते हैं तो वो इक्वल तो है कि टू ऑलरेडी आ रहा है करो जी बी ऑप्शन भी, भी चेक कर लें जो जो ऑप्शन में इक्वल आ रहा है वो सही है वो कह रहे हैं जी बी ऑप्शन भी ठीक है करो सर हैं ओहो सॉरी 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 रोजा लगा हुआ है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है यार हम करेक्ट कर रहे हैं समझ आई बात की वो नौ बंदों ने इसीलिए हाथ खड़े कर दिए थे एमन पता चला है हम गलती कर रहे हैं मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ वो कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है तो जितने टैली हो जाएंगे वो करेक्ट हैं जो नहीं होगा वो इनकरेक्ट होगा तो फिर मेरा ख्याल ये ये वाला सी ऑप्शन जो है इट इज द राइट आंसर वही ख्याल रखना है ये सीए वाले बड़े ट्रिकी लोग होते हैं ठीक है ना उन्होंने आपसे गलत चीज पूछी है, कि भी गलत कौन सा है सही नहीं पूछा क्लियर हुई तो है बात मैं इतने सारे हाथ खड़े हो गए, पांच हजार का स्टॉक आठ हजार का बिका कंप्लीट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने बताया था ना कि दे सकते हैं effect. प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय थ्री थाउजेंड ये भाई एक इफेक्ट है कंप्लीट इफेक्ट नहीं है कंप्लीट पूछा है ये बात सही है जो ये लिखी हुई है लेकिन ये मुकम्मल सही नहीं है ओके स्टॉक विल बी बाय थाउजेंड ये बात सही लिखी हुई है कैश विल बी बाय ये भी लिखी हुई है एंड प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय थ्री थाउजेंड ये है मुकम्मल इफेक्ट ठीक है बाकी सब गलत है बाकी मुकम्मल इफेक्ट नहीं है इस तीन चीजें इफेक्ट होनी है स्टॉक कैश और इक्विटी या प्रॉफिट ठीक है तो वो क्या कह रहा है तो वो तीनों चीजें इसके अंदर वो इफेक्ट दे रहा है हाँ आगे चलें जी आगे चले जी गुड्स विच ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज फोर हंड्रेड वोल्ड फॉर रुपीज फाइव फिफ्टी इन अकाउंटिंग क्वेश्चन नेट एसेट विल नेट एसेट नेट एसेट का मतलब क्या है इक्विटी के ऊपर क्या फैक्ट नेट एसेट मीन इक्विटी के टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट और उसे हम इक्विटी भी कहते हैं नेट एसेट भी कहते हैं तो क्या होगा डेढ़ सौ रुपए से इक्विटी रेज कर देगी

16,500 सौ ये रहा इसमें हम ऐड करते होते हैं फ्रेश कैपिटल नहीं है इसके अंदर अगर फ्रेश कैपिटल हो तो वो ऐड करना है मैं लिख देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्रेश कैपिटल कोई नहीं दिया हुआ होता तो वो मैं इधर लिखता नहीं ऐड करूँगा लेस करते होते हैं ड्राइंग्स ठीक है जी लेस करते हैं ड्राइंग्स तो ड्राइंग दी हुई है। हैं वो कितनी हैं थर्टी थ्री हंड्रेड ये मैंने माइनस करनी होती है ठीक है ये मैंने माइनस साइन कर दिया और ये बराबर होता है किस चीज़ के क्लोजिंग कैपिटल के ये क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है ग्यारह हज़ार तीन सौ पचास ये जहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे लिखा हुआ है अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मिसिंग फिगर निकालनी हो अब यहाँ एक मिसिंग फिगर है इस जगह पे वो क्या है प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ आएगा प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा लॉस होगा तो लेस हो जाएगा ठीक है तो अब वो कैसे निकालेंगे मैंने कहा था रिवर्स चल पड़ते होते हैं और जो काम रूटीन में करते हैं उससे उलट कर दें यानी ग्यारह हजार तीन सौ पचास ये क्या हुआ, हुआ हुआ है लेस हुआ हुआ है इसे ऐड कर दें ग्यारह हजार तीन सौ पचास प्लस थर्टी थ्री हंड्रेड ये ऐड हुआ हुआ है ना इस कैलकुलेशन में ये सोलह पांच सौ इसे लेस कर दें तो डिफरेंस कितना आएगा जी अट्ठारह सो पचास अब आप ये देखें ये 1850 क्या हो गया ये आपका लॉस है सो so प्रॉफिट नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे लॉस अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं सोलह पांच सो माइनस तेतीस सौ माइनस अठारह सो पचास इज इक्वल टू ग्यारह हजार तीन सौ पचास क्लियर है जी आगे चलेंगे पीछे जाए जरा हाँ तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास अठारह सो पचास वाली लॉस फॉर द ईयर ये दो अठारह सो पचास दिए हुए एक प्रॉफिट एक लॉस तो हमारा क्या आ रहा है लॉस सिर्फ अमाउंट देख के नहीं टिक कर देना कि दोनों ही सही है अठारह सौ पचास है एक में लॉस लिखा हुआ है एक में प्रॉफिट लिखा हुआ है आगे चले अकाउंटेंट्स बिल मीन जो आपका है, आपका ऑडिटर है उसने आपको बिल भेजा है एक लाख पचास हजार का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज इक्वेशन ऑफ दिजनेसमिंग द बिल अनपेड बिल अभी तो बताना है कि मेरी इक्वेशन के अंदर जो फैक्ट बताए गए हैं वो कौन से हैं एसेट डिक्रीज होगा नहीं होगा भाई एक अकाउंटेंट ने अभी बिल भेजा है आपने पे नहीं किया पे करेंगे तो कैश जाएगा फिर एसेट डिक्रीज होगा लिहाजा ये ऑप्शन तो गलत है आगे जो मर्जी लिखा हुआ है एसेट डिक्रीज नहीं होना इसके अंदर कैपिटल डिक्रीज होगा आपको को बिल क्यों भेजता है क्योंकि आपने उससे कोई काम लिया होता है इसका मतलब आपका एक्सपेंस तो हो गया ना तो लिहाजा जब एक्सपेंस हो गया उस बंदे से काम ले लिया आपने तो आपका एक्सपेंस हो गया आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा ठीक है अब अभी आपने उसे पैसे दिए नहीं हैं अभी देने हैं तो जब पैसे अभी देने हो तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो भाई ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है कैपिटल इंक्रीज नहीं होना एसेट डिक्रीज तो होना ही नहीं है कैपिटल भी इंक्रीज तो ये वाली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी ओके आगे चले

एसेट डिक्रीज हो जाएगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है एसेट uh, डिक्रीज होना है सॉरी एसेट क्या होना है डिक्रीज होना है देखें एसेट तो इंक्रीज होना ही नहीं है ना क्योंकि कैश कम हुआ फौरन इस चीज को पकड़ लिया करें कि कैश कम होने से एसेट डिक्रीज होना है लिहाजा जहां भी एसेट की इंक्रीज लिखी वो नहीं होना तो ये डिक्रीज ये डिक्रीज ये decrease. इसका मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन है उधर क्या हुआ कैपिटल uh, डिक्रीज हुआ है लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई कैपिटल इंक्रीज भी नहीं हुआ तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कैश कम हुआ हुआ डिक्रीज और चूंकि वो अपने पैसे ले गया है कुछ ड्राइंग की शक्ल में तो उसका कैपिटल जो था बिजनेस में वो डिक्रीज हो गया आगे चलते हैं जॉन इंट्रोड्यूस हिज कार इंटू हिज बिजनेस जॉन साहब ने अपनी गाड़ी बिजनेस को दे दी जॉन ने गाड़ी बिजनेस को दे दी विच पार्ट ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन विल चेंज चेंज किसके अंदर इफेक्ट आएगा ठीक है देखिए जब कोई बंदा गाड़ी देता है बिजनेस को तो बिजनेस के एसेट बढ़ता है गाड़ी आ गई ना बिजनेस के पास और जब एक बंदा जाती गाड़ी बिजनेस में देता है या जाती पैसे बिजनेस में देता है तो वो कैपिटल होता है वो बिजनेस के पैसे या कोई चीज़ निकालता है तो वो ड्राइंग होता है जो पैसे डाले हैं ना तो ये क्या होगा कैपिटल होगा तो क्या हुआ कैपिटल uh, और प्रॉफिट नहीं इफेक्ट होगा कैपिटल इफेक्ट होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा इसलिए ये गलत है एसेट और कैपिटल इफेक्ट होगा क्यों कि एसेट बढ़ेगा गाड़ी आने से और ओनर ने चुके दिए हैं लिहाजा कैपिटल भी बढ़ेगा ये बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है सारी की सारी आगे चले ये देखें आसिफ प्रोवाइडेड फॉलोइंग बैलेंस एट द एंड ऑफ जुलाई 2018 कैश अकाउंट पेबल ऑफिस इक्विपमेंट कैपिटल वाट इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीबल एट दैट डेट इक्वेशन बना के देख लेते हैं यार ठीक है ये कैश एक तरफ कैश आ गया इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि रिसीबल हैं उसके कुछ हमें उन्हें रिसीबल का नहीं पता अभी ठीक है फिर क्या हुआ दूसरी तरफ पेएबल आ गए ठीक है इधर ऑफिस इक्विपमेंट आ गया एसेट साइड पर ऑफिस इक्पमेंट और तीसरा क्या आ गया कैपिटल इधर आ गया अब ये भी दिया हुआ है 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 इस इक्वेशन को बैलेंस करके रिसीवल निकाल लोगे पढ़े लिखे मैथमेटिशियन हो आप लोग यार छोटे मोटे ठीक है ना तो कैपिटल निकल रिसीवल निकल आएगा ठीक है क्या करेंगे इन दोनों को जमा कर लेंगे और इन दोनों में से ये माइनस कर देंगे उधर ले जाके ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिसीवल आ जाएगा लेकिन इतना टाइम नहीं जाया करना पेपर में ये सब टक 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 कैलकुलेटर के ऊपर होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं 7200 ओपनिंग बैलेंस ऑफ इज कैपिटल ये भी वही काम करना है ठीक है ये कहता है जी द फॉलो एसेट एंड लाइबिलिटी इकतीस जुलाई ये देखिएगा जरा मैं यहाँ एक वर्किंग करने लगा हूँ मेरे पास बिल्डिंग है कितने की पंद्रह हजार की मेरे पास रिसीवेबल हैं कितने के पचहत्तर सौ के मेरे पास कैश है पैंतीस सौ का मेरे पास पेबल हैं कितने के पांच हजार के ये सारी एसेट साइड की चीजें हैं ना भाई इज़ इक्वल टू क्या होता है कैपिटल प्लस पेएबल अब ये 31 जुलाई की पोजीशन है 31 जुलाई को अगर मेरे एसेट इतने थे इन सब को जमा कर लें टोटल एसेट हो गए मेरा पेएबल था पांच हजार का इन सब में से ये माइनस कर देंगे तो यहां क्या निकल आएगा कैपिटल निकल आएगा 31 जुलाई का कितना आएगा जी ये थर्टी ट्वेंटी yeah, yeah, मैंने क्यों निकाला है इसलिए निकाला कि वो क्या रहा है ड्यूरिंग दंथ बहत्तर सौ आपने जो है प्रॉफिट अर्न किया सौ पचास ड्राइंग की तो कहता है जी फर्स्ट जुलाई को उसका जो था वो बैलेंस कितना था ये इकतीस जुलाई का है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है अभी एक एक्सरसाइज की थी ना हम लोगों ने अभी एक एक्सरसाइज हम लोगों ने क्या की थी हमने अभी लिखा था ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल अगर है तो लेस ड्राइंग्स एड प्रॉफिट बताया हुआ प्रॉफिट लॉस होता तो माइनस लॉस ठीक है इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ये भी कैलकुलेटर का काम है भाई सारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया जी हमारे पास क्लोजिंग डेट कौन सी इक्तीस जुलाई कतीस जुलाई का कैपिटल ये मैंने इक्कीस हज़ार निकाला ये यहाँ लिख दें इक्कीस हज़ार प्रॉफिट निकाला कितना बहत्तर सौ ये आ गया बहत्तर सौ ठीक है और ड्राइंग कितनी है सताईस सौ पचास ये देखें ये सताईस सौ पचास है ठीक है ये लेस होती हैं और ये प्रॉफिट ऐड होता है फ्रेश कैपिटल कोई नहीं है अगर होता तो ऐड होना था अब ये फिगर मालूम है क्या करेंगे जब क्लोजिंग से ऊपर जाना है तो रिवर्स कर दें ये ऐड हुआ हुआ है नहीं तो कितनी फिगर आ गई सोलह हजार पांच सौ पचास तो ये क्या है ये आपको ओपनिंग कैपिटल है उसने यही क्वेश्चन पूछा था सोलह हजार ये डी ऑप्शन आंसर सो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का नॉलेज यूज करके आप ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कितने हैं जी टोटल ओके 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 अच्छा जी पीछे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा रहता है जी उस पर जाए जरा कौन सा रहता है सिक्स कर लिया फाइव भी कर लिया ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये आप लोग कल घर से अटैम्प्ट करके आएंगे आपका होमवर्क क्या है एक दो तीन चार करना क्या है शो द इफेक्ट ऑफ दी ये सोल्यूशन किया हुआ था बताना है लाइक ये देखें कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आठ लाख बयालीस हजार बार रिटर्न टू सप्लायर इसका इफेक्ट क्या होगा परचेज की हुई वापस की है अब हमारी ट्रांजेक्शन है वापसी वाली परचेज वाली नहीं है तो क्या होगा इन्वेंट्री कम हो जाएगी आठ लाख बयालीस हजार से और उधर चूंकि उधार खरीदा हुआ वापस किया है तो पेबल कम हो जाएगा आठ लाख बयालीस हजार से डन सवाल हो गया ठीक है तो क्या इफेक्ट आएगा जी यहां पर हम लिखेंगे ऊपर इन्वेंट्री जो है वो माइनस हो जाएगी आठ लाख बयालीस हजार से और इस साइड पर क्या है पेबल जो है पेबल टू सप्लायर जो है वो कम हो जाएगा कितने से आठ लाख बयालीस हजार से एंट्री का इफेक्ट दोनों तरफ बराबर है समझ आ गई बात आपको ये हो होगी हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का एक अपना इफेक्ट आपने लिखे। ऐसे लिख दें ठीक है ओके उसके बाद आगे क्या है खरीदी थी आपसे बैलेंस अमाउंट वॉज द कस्टमर याद है हमने कल एक में भी एंट्री की थी क्या हुआ कस्टमर बॉड गुड नाइन थाउजेंडे हजार की उसने चीजें खरीदी थी अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या है इसकी कॉस्ट नहीं बताई हुई लिहाजा मैं प्रॉफिट श्रॉफिट नहीं निकाल सकता मेरी ट्रांजेक्शन ये है कहता है चालीस परसेंट जो है वो उसने दे दिया कैश में और बाकी उसने पेएबल के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया यानी हमने उसके कुछ पैसे देने थे उसने कहा जी उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी ये देखिएगा मैं यहां करने लगा हूं कैश ये ऐड हो जाएगा छियानवे हजार का चालीस परसेंट कितना बना थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक हो गया जी और बाकी अमाउंट कितनी बची जी हाँ एक्चुअली हुआ क्या था जरा इसको देखें कि हमने छियानवे हजार किसी को उधार दिया था जब दिया था वो एंट्री नहीं पूछ रहा हमसे वो सेटलमेंट की एंट्री पूछ रहा है इक्वेशन पूछ रहा है कि भाई वो जो उधार दिया था उस वक़्त एंट्री होगी वो प्रॉफिट हुआ होगा इन्वेंट्री कम हुई होगी रिसीवल छियानवे हजार से स्टैंड हुआ होगा उस एंट्री की बात नहीं कर रहे क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं पता कॉस्ट पता होती तो मैं बताता कि इतनी इन्वेंट्री कम हुई है इतना रिसिवल बड़ा है छियानवे हजार से और इतनी इक्विटी बड़ी है प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट होता तो इक्विटी बढ़ती लॉस होता इक्विटी कम होती ट्रांजेक्शन है उसकी सेटलमेंट की सेटलमेंट हुई तो क्या हुआ हमारा जो रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है यहां पर हम क्या लिखेंगे दूसरा काम क्या होगा ये जो रिसीवेबल है मेरा ये क्या हो जाएगा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसे मत लिखें ऐसे लिख लें रिसीवेबल सॉरी रिसीवेबल ठीक है ये माइनस हो जाएगा कितने से छियानवे हजार से ठीक है कैश बड़ा अठत्तीस हजार चार सौ से क्योंकि इतना कैश आया रिसीवेबल सेटल हो गया सारा कितना छियानवे हजार हो गया और इधर क्या हुआ इस साइड पर देखें सेटल कैसे हुआ वो जो अठत्तीस हजार चार सौ छियानवे हजार का डिफरेंस था वो मैंने उसके कोई पैसे देने थे उसके गेंस एडजस्ट हो गया लिहाजा मेरा जो पेएबल है पेएबल वो माइनस हो गया कितने से इन दोनों का डिफरेंस कितना है फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आप देख लें अकाउंट इक्वेशन की दोनों साइड पर इफेक्ट जो है वो बराबर है ठीक है यानी मैंने उधार बेचा हुआ था छियानवे हजार का अब उसकी सेटलमेंट कैसे हुई अट्ठतीस चार सौ कैश आ गया इसका मतलब कैश बढ़ गया छियानवे हजार खत्म हो गया नहीं लेना कैसे खत्म हुआ कुछ कैश लिया और कुछ पेबल मैंने उसके पैसे देने थे वो कम हो गए रिवर्स हो गए ठीक है जी आगे चले जी कस्टमर ओस रुपीज थ्री फोर्टी एट थाउजेंड टू ए it is expected that ai would be able to recover 60% and a provision for doubtful debt is to be made for the remaining amount ye woh provision wala chakkar aa gaya theek hai lekin main samjhata hu aap logo ko 348000 हमने लेना था it is expected that ai would be able to recover 60% theek hai ki 60% मिलेंगे और बाकी doubtful हैं जब doubtful हों तो इसका मतलब ये होता है कि हमने क्रिएट करना है ठीक है आ, वो कितना है फोर्टी परसेंट थ्री फोर्टी एट का फोर्टी परसेंट रिसीवेबल है प्रोविजन तो वाली अमाउंट से कम हो जाएंगे कितनी बनी थ्री फोर्टी एट का जी जी हाँ एक लाख उनतालीस हजार दो सौ और दूसरी साइड पर क्या होगा मेरी इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि मैं इसे एक्सपेंस भी बुक करूंगा ये मेरा एस्टिमेटेड लॉस है तो एस्टिमेटेड लॉस से मैं अपना भी कम कर लूंगा प्रोविजन की शक्ल में प्रोविजन किस तरह से इधर इफेक्ट करेगी वो बात की बात है लेकिन हमारा कम हो जाएगा और उनतालीस हजार दो सौ से चूंकि नुकसान हुआ तो ये इक्विटी जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगी ओके द तो ओनर विड्रॉ कैश पैंतीस हजार है गुड्स कॉस्टिंग फॉर हिज पर्सनल यूज ये तो बड़ा सिंपल है जी यहाँ कर लेते हैं इसको हम ये देखें ये देखें जी ओनर ने विड्रॉ किया क्या कैश कितना पैंतीस हजार तो हमारा कैश जो है वो माइनस हुआ पैंतीस हजार से और हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी माइनस हुई कितने से पैंसठ हजार से ठीक है और इधर क्या हुआ उसका जो कैपिटल था या इक्विटी थी वो कम होगी कितने से एक लाख रुपए से दोनों साइडों पे इधर माइनस एक लाख हो गया और इन दोनों को जमा करेंगे ये भी माइनस एक लाख हो गया तो इक्वेशन जो है वो बराबर है ठीक है जी तो इस तरह हम इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट हम दे सकते हैं आपने घर में इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है एक दफ़ा और जो बीस से दस शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी पंद्रह मिनट में कर दिए हैं तो आप भी कोई घंटा आधा पौना घंटा इसको देंगे तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा और वो जो बीस शॉर्ट क्वेश्चन हैं बीस से इक्कीस वो भी हो जाएंगे उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम हुआ अंडरस्टैंडिंग में तो कल हम ताला डिस्कस करेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम इनशाला अपने अगले चैप्टर पे मूव कर जाएंगे ठीक है जी एनी क्वेश्चन वो दौड़ लग पे ना सौ तो छियासी रह गए चलेंगे ओके जी गॉड ब्लेस यू अल्लाह में आपको अपनी उज मान में रखे कल ताला हम इसे आगे चलेंगे थैंक यू वेरी मच